अगर हमने बोला है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो साइन एक्स है एक फंक्शन है, देन रेंज ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, मतलब भाई हमें दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हमसे बोला है कि आप एफ स्क्वायर एक्स की रेंज बताइएगा, इसकी रेंज बताइएगा। तो किस तरीके से हम रेंज देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इतना बोलूंगा कि एफ स्क्वायर एक्स करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर देने से इधर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। छोटी छोटी बातें हम यही करते हैं कि साइन एक्स की रेंज कहाँ होती है, साइन एक्स की रेंज होती है माइनस वन से वन में। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस वन से वन में। देखो बेटा मैं कमेंट अभी नहीं देख रहा हूं क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं होगा फिर। हाँ मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप जो बातें करते हो ना उनका रिप्लाई नहीं कर सकता मैं, जो आप कमेंट में बातें करते हो ना उनका रिप्लाई नहीं कर सकता मैं। आपके जो डाउट होते हैं वो मैं देख रहा हूँ, आप जो भी बातें मेरे से पूछ रहे हो वो बातें मैं क्लियर कर दूंगा। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि ये बोल रहा है कि सर होगा या नहीं होगा, क्रम पे यकीन करो, क्रम करते जाओ। अगर अच्छा क्रम किया है आपने पढ़ाई के साथ तो जरूर होगा, मेहनत कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती। जितनी आप मेहनत करोगे किताबों के साथ, जितना वक्त निकालोगे, यकीनन ये आपको बहुत ऊंचा बनाएगा, बहुत बड़ा बना देगा। तो मेरा मानना ये है कि जो कर्म आप कर रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट में बातें कर रहे हैं तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकता। तो आगे देखते हैं। हाँ जी, जब किसी का स्क्वायर करते हैं ध्यान से सुनिएगा, इस बात का क्या मतलब सर, ये माइनस वन से वन के बीच में क्या बता रहे हो? माइनस वन से वन के बीच में है कि साइन कम से कम माइनस वन हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, कम से कम माइनस वन हो सकता है। जैसे हमने ग्राफ देखा था तो नीचे से नीचे माइनस वन पे जा रहा था। थोड़ी देर पहले वाले ग्राफ की हम बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले वाले ग्राफ में हम देख रहे थे कि ये नीचे से नीचे कहाँ पे जा रहा है, माइनस वन से माइनस वन तक जा रहा है, इससे नीचे नहीं जा सकता। सर ऊपर की बात करें तो ऊपर माइनस वन तक, समझो, इसी को हम बाउंडेड बोल रहे हैं। तो सर आप बात करते हैं स्क्वायर की, तो यहां ध्यान से सीखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो नीचे से नीचे कितना जा सकता है साइन। सर नीचे से नीचे माइनस वन का स्क्वायर करोगे वन आएगा, प्लस वन का स्क्वायर करोगे वन आएगा, तो वन पे ही निपट के रह जाएगा ये? नहीं बेटा, इस ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव वाला हट जाएगा, नेगेटिव वाला हट जाएगा, तो कहां तक जाएगा? नीचे से नीचे जीरो जा सकता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे से नीचे जीरो हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेगा और पॉजिटिव जीरो से पॉजिटिव की तरफ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। हाँ जी ध्यान से सुनिएगा बात को, साइन स्क्वायर अक्ष की जो रेंज है, साइन स्क्वायर अक्ष की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी जीरो से 1।